आप पढ़ना चाहती हो बेटे? क्या कारण है कि आप पढ़ नहीं पा रही हो? हमारे पास कभी आप स्कूल गए? हमारे करौली की भीमनगर कॉलोनी वह गाड़िया लोहारों के बंजारों के बच्चे हैं जो आज भी पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। करीब 50-60 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, परंतु उनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। प्राइवेट में हम एडमिशन कराने जाते हैं तो तुरंत ही मना कर देते हैं। क्या कारण है कि वो मना? कारण ये है कि मतलब इतने भरो उसमें या नहीं है तो फिर हटाओ बच्चन को। आपने कभी ये कहा नहीं कि सरकार ने तो निशुल्क किया हुआ है हम लोगों के लिए? क्या करें, कौन से क्या मतलब सर्वे होती है, मतलब लिखा पढ़ी हो जाती है, मतलब लिख के ले जाते हैं पर कोई भी सुनवाई होती नहीं है। वर्ष 2010-11 में उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाते हुए सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में 25% बच्चों को प्रवेश के लिए निर्देश दिए हुए हैं। इसके जैसे 5 बच्चे इसी कॉलोनी में इनके पास में रहने वाले, उन बच्चों को आज तक भी नहीं पढ़ाया जाए, जबकि सरकार ने शिक्षा का अभियान लगाया हुआ है कि 25% निःशुल्क बच्चों को एडमिशन किया जाएगा। आज तक ये बच्चे 10 साल के होने को आई है लेकिन आज तक इसका कोई शिक्षा के लिए कोई सरकार का अभियान चलाया, लेकिन सर्वे कर लिया, लेकिन सर्वे के बावजूद भी इन बच्चों को कोई एडमिशन नहीं मिला है। मेरे वीडियो को देखने वाले लोग हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी राम कलेश मीना से बातें करें और मेरे बच्चों को एडमिशन कराने में मेरी सहायता करें। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।